हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गुड्डी कट सलवार की ड्राफ्टिंग प्लस उसकी थ्योरी। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। गुड्डी कट सलवार जो होती है फ्रेंड्स, इसका लुक जो होता है बहुत अच्छा आता है। गुड्डी कट सलवार को फ्रेंड्स आप शॉर्ट कुर्ती पर भी पहन सकते हैं, टॉप के साथ भी आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। और इसी कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ड्राफ्टिंग से समझेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाल दिया है गुड्डी कट सलवार ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे। रिक्वायरिंग मेजरमेंट यानी कि ज़रूरी नाप, इसमें जो ज़रूरी नाप होता है वो आप देख लीजिए। फुल लेंथ यानी कि लंबाई, तो पूरी लंबाई हमारी कितनी है 40 इंच। हिप राउंड यानी कि हिप का नाप यानी सीट का नाप, वो भी है हमारा 40 इंच। वेस्ट राउंड यानी कि कमर हमारी 36 है। मोहरी जो है फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी आपकी मोहरी हो उसका मेज़र कर लीजिए, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हिप मोहरी राउंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.5 इंच। तो हमारा कितना है, जैसे 15 इंच, तो हमने उसको हाफ़ किया तो कितना आया 7.5 इंच। 7.5 में जब हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 इंच, यानी कि 9 इंच। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग मेथड देख लेते हैं। मेथड यानी कि विधि। इसे बनाने के लिए 2 से 2.5 मीटर तक का कपड़ा लग सकता है। ये आपके साइज पे डिपेंड करेगा, जिस हिसाब से आपका साइज होगा उसी हिसाब से आपका कपड़ा भी लगेगा। अब कपड़े, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब कपड़े को लंबाई में 2 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हमारा जितना भी कपड़ा होता है उसको हमें लेंथ वाइज फोल्ड करना है, और फिर कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड कर देना है। जैसे पहले हमें लेंथ वाइज फोल्ड करना है, फिर विड्थ वाइज, यानी कि पहले लंबाई में फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम कपड़े को फिर चौड़ाई में फोल्ड कर देंगे। तो हमारा कपड़ा जो होगा वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। अब 1.5 से 2 इंच पर मोहरी का मार्क करेंगे, जैसे आपको जितनी मोहरी चाहिए हो। 1 इंच पे अगर आपको मोहरी चाहिए 1 इंच की, तो आपको 1.5 इंच पर मार्क करना है। अगर आपको 1.5 इंच की मोहरी चाहिए तो आपको 2 इंच पे मार्क करना है। जितनी भी आपको मोहरी चाहिए उससे आपको 1/2 इंच प्लस करके लेना है, उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके लेना है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद हम रेडी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी चौड़ाई का आप इलास्टिक बना रहे हैं या बेल्ट बना रहे हैं, उसके अनुसार तैयार लंबाई में 0.5 से 1 इंच कम करके मार्क करना है। अब फ्रेंड्स एग्जांपल के थ्रू आप देख लीजिए, जैसे तैयार लंबाई हमारी कितनी है 40 इंच, तो 40 इंच हमारी है, तो हमने उसमें क्या करना है 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो हमारी जो कितना हो जाएगी लंबाई हमारी होगी 38.5, यानी कि 38.5 इंच, हमने उसमें प्लस करना है 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, तो हमें कितना लेना है लंबाई 39 इंच, यानी कि 39 इंच, एक कम 40 इंच, जितनी आपकी लंबाई उससे आपको 1 इंच माइनस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम क्रॉच लेंथ का निशान लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम क्रॉच राउंड का निशान लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है, छोटे साइज में जैसे हमने बता दें क्रॉच राउंड लगाने का फॉर्मूला, तो जैसे आपका छोटा साइज है तो आप 2 इंच पे लगाइए, अगर आपका नॉर्मल साइज है तो 2.5 इंच पे, अगर बहुत हैवी साइज है तो आप 3 इंच पे क्रॉच का राउंड का निशान लगा लीजिए। अब हमें पैंट की तरह इस सलवार में भी बैक पार्ट को आसन की तरह बढ़ाना होता है, क्योंकि इसका लुक फ्रेंड जो होता है वो बिल्कुल हमारे जो पैंट होती है बिल्कुल उसी की तरह होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इसलिए हमने क्या करना होता है 1.5 इंच बैक पार्ट में ज़्यादा लेना होता है।
आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं, ये आपके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें आसन की तरफ इसलिए बढ़ाकर लेना होता है क्योंकि हमारी सलवार जो है उचकी हुई रहती है। बहुत लोगों को रहता है कि हमारी जो सलवार होती है वो हमारे बैठने पे उठने पे हमारा पीछे से उठ जाता है, तो जब आप इसको प्लस करके चलेंगे तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। 40 इंच तक अगर आपका है तो आप 1.5 इंच करिए, अगर आपका 40+ है तो आप 2 इंच करिए। अब हम बॉटम मुहरी या राउंड का आधा करके उसमें 1 से 1.5 इंच प्लस करेंगे और तिरछा मिलाकर कटिंग कर देंगे। जितनी आपकी मुहरी हो उसका आधा कर लीजिए, उसमें 1 से 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। क्रॉस लेंथ का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है हिप राउंड, जितना भी आपका हिप राउंड हो उसको डिवाइड करिए 4 से, उसमें 3 से 4 इंच प्लस कर दीजिए। तो जो भी होगा, जैसे हमारी हिप है 40 इंच, तो हमने इसको 4 से जब भाग दिया तो हमारा कितना आएगा 10 इंच, यानी कि 10 इंच। तो 10 में हमने जब 4 प्लस किया तो कितना हो गया 14 इंच, यानी कि 14 इंच। तो ये हमारी क्रॉच लेंथ हो जाएगी, यानी कि आसन की लंबाई। और चौड़ाई जो है आप हमने आपको बता दिया है, साइज के अकॉर्डिंग आपको निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हमने ग्राफ बना के तैयार कर लिया। हमने हेडिंग डाल दिया है गुड्डी कट सलवार ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हमने फ्रेंड्स क्या करना है, कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड करना है। जितनी आपको लंबाई चाहिए सबसे पहले आप लेंथ वाइज फोल्ड कर लीजिए। पहले हम आपको फोल्डिंग करने का तरीका बता देते हैं। सबसे पहले लेंथ वाइज फोल्ड करिए। जब आप लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे तो आपका कपड़ा जो होगा वो 2 फोल्ड में हो जाएगा। जब आप उसको विड्थ वाइज, यानी कि जब आप उसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे तो आपका कपड़ा जो होगा वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। आपको ड्राफ्टिंग हमेशा फोल्डेड साइड से करनी है। गुड्डी कट सलवार की ड्राफ्टिंग हम हमेशा फोल्डेड साइड से करते हैं। तो ये हमारा फोल्डेड साइड होगा और जिधर हम आसन का निशान लगाएंगे वो हमारा ओपन साइड होगा। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, जो भी हमारी तैयार लंबाई है हमने लिख भी दिया है, रेडी लेंथ में 1/2 इंच से 1 इंच तक आपको प्लस करके लेना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा देने हैं। उसके बाद हमने, जैसे आपको मोहरी जो है, जैसे आपको 1.5 इंच की चाहिए तो आपको 2 इंच लेना है, अगर आपको 2 इंच की चाहिए तो 2.5 इंच लेना है, अगर आपको 1 इंच की चाहिए तो 1.5 इंच लेना है। तो 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से आपको लंबाई मेज़र करनी है और जितनी आपको लंबाई हो उसमें आपको प्लस कर देना है। इस तरह से आप लंबाई का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने फ्रेंड्स क्या करना है, 1 से 1.5 इंच ये जो हमने प्लस करने के लिए बोला फ्रेंड्स, ये हमारा इलास्टिक के लिए होगा। तो इलास्टिक का निशान हम लगा लेंगे। अब हमारी बारी आती है हिप की। तो हिप का जो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, उसी हिसाब से अपना निशान लगा लीजिए। जैसे मेरा यहाँ आया है तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम आसन की लंबाई यानी कि क्रॉच लेंथ का निशान लगाएंगे। क्रॉच लेंथ के लिए का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो भी होता है हिप डिवाइडेड बाय 4+3 या 4 इंच। तो इस तरह से हम क्रॉच लेंथ का निशान लगा लेंगे, इंच टेप को रखेंगे और क्रॉच लेंथ का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने क्रॉच की गुलाई देनी है, यानी कि क्रॉच राउंड। तो इंची टेप को हमने यहाँ रखना है और इस तरह से हमने 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच साइज के अकॉर्डिंग हमने निशान लगा देना है। हमने लिख भी दिया, अगर स्मॉल साइज है तो आप 2 इंच पे लगाइए, मीडियम है तो 2.5 इंच पे लगाइए, अगर लार्ज साइज है तो आप 3 इंच पे लगाइए। इतनी बात तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स चलिए, जैसे हमने, अब हम मोहरी आपको समझा देते हैं। जैसे ये हमने 2 इंच की मोहरी रखना है इसलिए हमने इसको अलग भी कर दिया है। तो जैसे हमने क्या करना है, हमारी राउंड में जब हमने मेज़र किया तो हमारी कितनी आई 15 इंच। तो 15 इंच अगर हमारी मोहरी आई है फ्रेंड्स, तो हमने उसको भाग देना है 2 से, तो कितना आएगा 7.5। 7.5 में हमने 1.5 इंच प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 9 इंच। तो इंची टेप को इस तरह से रख के 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से ये जो हमारा क्रॉच राउंड रहेगा वहाँ इंची टेप को रख करके और इस तरह से हम पोचे में मिला देंगे ला करके। फ्रेंड्स एक चीज़ हम आपको बता दें कि बहुत लोगों को ये रहता है कि मेरी सलवार जो होती है वो घूमी घूमी सी रहती है, उठ जाती है पीछे से। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्रॉच राउंड का सेंटर है और ये जो है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। जैसे ही हमारा सेंटर यहाँ आ रहा है
तो इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे 0.75 यानी कि पौना इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमें यहाँ से इस तरह से गोलाई नहीं देनी, ऐसे हमने यहाँ से बराबर में लाना है और बीच में ला करके कुछ इस तरह से हमने हाफ 0.75 यानी कि पौना इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए ला करके उसी में मिला देना है ये इस तरह से। अब ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जैसे ये होता है, बहुत लोग ये करते हैं कि जब हमें ये हमारा जो होता है फ्रेंड्स, हमारा आसन की साइड ऊंचा उठ रहता है, तो इसको हम किस लिए ऊंचा रखते हैं, क्योंकि हमने आपको अभी बताया भी है कि जब हम बैठते उठते हैं तो हमारी शलवार उठ जाती है, तो हम अगर इस तरह से हम इसको 1.5 से 2 इंच अगर हम इस तरह से डाउन कर देंगे तो ये हमारी शलवार उचकेगी नहीं। तो आसन पे इस तरह से निशान लगा करके हमने 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, ये साइज के अकॉर्डिंग रहेगा 1.5 से 2 इंच। जैसे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है तो ये जो हमारा निशान है हमने यहाँ पर इसकी सिधाई में, ये जो है यहाँ इसकी सिधाई में नहीं करना है। फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए हमने देखिए आपने ब्लैक पेन से किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे इंची टेप को रखना है और 1/2 इंच पे निशान लगा करके तिरछा यहाँ से यहाँ मिला देना है। फ्रेंड्स जब ये आप 1/2 इंच इसको इस तरह से डाउन कर देंगे तो इसका जो गुड्डी कट सलवार है इसका लुक जो है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा और एकदम पैंट की तरह ये सलवार दिखेगी। और फ्रेंड्स और क्या करना है, हमने ये जो हमारा पोचा होता है ये हमारा 1.5 से अगर आपको 2 इंच कैनवास में लिया है तो आपको 0.5 इंच यानी कि 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। अगर आपको 1.5 इंच की सलवार पोचा चाहिए तो आपको 1/2 इंच उसमें प्लस करना है, 2 चाहिए तो 2.5 लेना, जितना भी चाहिए हो उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके चलना है। और ये जो होगा फ्रेंड्स ये हमारा इलास्टिक के लिए हो जाएगा 1.5 से 2 इंच, या आपका इलास्टिक पे चौड़ी और पतली पे डिपेंड करता है। ये हमारा आसन हो जाएगा यानी कि आसन की लंबाई, हमारे आसन की गोलाई हो गई, ये हमारा पोचा हो गया और ये हमारी सलवार की लेंथ हो गई। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग गाइज़।